हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की धमाकेदार खबर है, बिग अचीवमेंट। 75 सालों में पहली बार एयरक्राफ्ट के टायर बनाएगा भारत। फर्स्ट टाइम मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट टायर्स। अरे वाह, 75 साल लग गए एयरक्राफ्ट के टायर बनाने। मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं कि ये इतना लेट कैसे हो गए। टायर्स तो सदियों से बना रहे हैं हम लोग, कारों के, बड़े बड़े ट्रकों के, तो एयरप्लेन के अभी तक टायर्स क्यों नहीं बना रहे थे, आई डोंट नो। बन जाने चाहिए बहुत सदियों पहले। देखते हैं कि इसमें कुछ स्पेशल बात थी कि क्या चक्कर था। या हो सकता है ये बनाने में ज्यादा ही मुश्किल हो, और या बस इंपोर्ट का बस यही था, बस इंपोर्ट कर लो। हाँ। किसी ने ये नहीं कहा इंपोर्ट क्यों कर रहे हो, खुद ही बना लेते हैं। जैसे मोदी जी ने बोला था कि हम अब खुद बनाएंगे, इंपोर्टिंग नहीं होगी। MRF टायर्स सदियों से चले आ रहे हैं। MRF भी बोलते चलो हम एयरप्लेन के बना लेते हैं, तो मेरे ख्याल से मोटिवेशन की जरूरत थी। देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और हमारे दूसरे दो चैनल्स भी हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस वहां पे भी आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अभी तक भारतीय एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स में लगने वाले टायर्स कहां से आते हैं, या इन टायर्स को भारत में मैन्युफैक्चर किया भी जाता है या नहीं? आज इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि हमेशा की तरह इस पे भी एक काफी बड़ी अपडेट एक भारतीय मैन्युफैक्चरर की तरफ से आ रही है। सन 2011 में मिशलिन ने भारत में एयरक्राफ्ट के टायर्स मैन्युफैक्चर ना करने का रीजन ये दिया था कि भारत एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से काफी छोटा मार्केट है, और एयरक्राफ्ट के लिए भारत में टायर्स मैन्युफैक्चर करना एक घाटे का सौदा है। देखा जाए तो उस टाइम ये बात सही भी थी, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है और एविएशन सेक्टर में भारत को एक काफी बड़े मार्केट के तौर पर देखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस तक में अभी तक इम्पोर्टेड डनलप के टायर्स का इस्तेमाल होता था, और इन टायर्स को ब्रिटेन में स्थित डनलप की एविएशन टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से इंपोर्ट करना पड़ता था। इंपोर्टेड होने की वजह से एक तो इन टायर्स की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा टायर्स एक बार में खरीदने पड़ते थे, इसके अलावा 2 गुना या 3 गुना कीमत देके ये टायर्स भारत में लाए जाते थे। दुनिया भर में केवल 4 ऐसे सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एविएशन ग्रेड के टायर्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। गुडियर, मिशलिन, डनलप और ब्रिजस्टोन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में तो कई सालों से है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद ये मैन्युफैक्चरर्स भारत में एयरक्राफ्ट के टायर्स मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि सिविल एयरक्राफ्ट के एक टायर की कीमत 70,000 से 1,00,000 रुपए तक होती है, और भारत पहुंचते पहुंचते ये कीमत दोगुनी हो जाती है। लेकिन भारत का पैसा बचाने के लिए अब एक भारतीय कंपनी आ गई है, और भारतीय टायर मैन्युफैक्चरर MRF की तरफ से आज की काफी बड़ी खबर सामने आ रही है। MRF चेतक हेलीकॉप्टर के लिए 2009 और ध्रुव के लिए 2014 से टायर सप्लाई कर रही है। इसके अलावा 2013 से सुखोई 30 के पिछले टायर्स MRF भारत में ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुकी है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि फाइनली सुखोई 30 के नोज व्हील टायर्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो चुका है, और इन टायर्स का पहला बैच इंडियन एयरफोर्स को MRF की तरफ से डिलीवर भी कर दिया गया है। पिछले टायर के कंपैरिजन में फाइटर एयरक्राफ्ट का नोज व्हील टायर छोटा और हल्का होता है। इस टायर को इतना मजबूत होना होता है कि टायर बस के केस में ये विमान के अगले हिस्से का वेट कुछ देर तक संभाल सके। अभी तक ऐसे टायर पूर्ण रूप से इम्पोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन अब इसके इम्पोर्ट पर रोक लग चुकी है। करीबन 5 सालों की रिसर्च के बाद पहली बार ऐसे टायर्स देश में बनने जा रहे हैं, और ये सिलसिला केवल यही नहीं रुकने वाला। सबसे बड़ी बात ये है कि MRF 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एयरक्राफ्ट के टायर्स प्रोडक्शन में अब करने जा रही है, और इससे रिलेटेड अब कुछ काफी बड़े दावे MRF की तरफ से आ चुके हैं, और यकीन मानिए इन दावों से आपका दिन बनने वाला है। हैदराबाद में स्थित MRF अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी, और आने वाले 5 सालों में MRF एविएशन इंडस्ट्री में जिस तरह की एंट्री मारने वाली है, उससे ये तो तय है कि भारत अब उन देशों के लिए एयरक्राफ्ट का एक काफी बड़ा टायर सप्लायर बनने वाला है, जो देश डेवलप्ड देशों से महंगे दामों में इन टायर्स की खरीद करते हैं। इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हमने बात के लिए बचा के रखा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसे टेस्ट बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेते हैं, जहां से आप अपनी स्किल्स के बेसिस पे अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही आपके पास एक प्लान बी का होना भी जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अपीयर होने वाले सभी एस्पायरेंट्स को सरकारी नौकरी मिले। इस प्लान बी को एक लाइव एग्जांपल से समझ लेते हैं। शुभम सागर इंजीनियरिंग खत्म करके 1 साल नौकरी करने के बाद UPSC एग्जाम्स की तैयारी में पूरी तरह जुट गए। प्रिपरेशन पीरियड के दौरान अपने खाली समय में उन्होंने पावर रेसलिंग से रिलेटेड अपना एक मैगजीन शुरू किया, और कमाल की बात यह है कि अपने प्रोडक्ट की पूरी प्लानिंग और डेवलपमेंट के दौरान उन्हें अपने स्किल्स और पैशन के बारे में पता चला। अपने पैशन से रिलेटेड ड्रीम जॉब लेने के लिए शुभम ने री लेवल का एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टेस्ट दिया, और 15 दिनों के अंदर उन्हें लॉजिकेज में प्रोडक्ट मैनेजर का जॉब मिल गया। आज शुभम इतने फेमस हो चुके हैं कि शहरों में उनके होर्डिंग्स लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। रीलेवल के थ्रू अभी तक 80 करोड़ वर्थ के जॉब्स कैंडिडेट्स हासिल कर चुके हैं, और पिछले ही महीने 1300 नए ऑफर्स 200 से ज्यादा कंपनीज द्वारा रिलीज किए गए हैं। आप टोटल 11 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हैं, अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और ऐसे ही कई सेक्टर्स। आप रीलेवल के थ्रू करियर ओरिएंटेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आते हैं 14 दिनों की सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ। मतलब अगर आपको 14 दिनों में कभी भी कोर्स को लेकर कोई भी डाउट पैदा होता है, तो आप अपना फुल रिफंड वापस ले सकते हैं। ये कोर्स मोबाइल जैसी हैंडल डिवाइसेज के लिए भी बना है, मतलब कहीं
भी और कभी भी बैठ के आप इस कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं और प्रैक्टिकली रीलेवल लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वेट मत कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आज ही रीलेवल पे रजिस्टर कीजिए। MRF सुकोई 30 के पिछले टायर्स की करीबन 1000 यूनिट्स IAF को सप्लाई करके करोड़ों रुपए भारतीय सरकार के बचा चुकी है। और अब IAF ही नहीं बल्कि सिविल एविएशन में कदम रख के MRF दुनिया की 5वीं एयरक्राफ्ट टायर मैन्युफैक्चरर बनने की तैयारी कर चुकी है। तेजस एयरक्राफ्ट के लिए भी MRF स्वदेशी तौर पर टायर्स डिजाइन कर चुकी है और जल्दी अप्रूवल के बाद तेजस के इंपोर्टेड टायर्स को भारतीय टायर से रिप्लेस किया जाएगा। IL-76 और C-17 ग्लोब मास्टर के अलावा बोइंग और एयरबस के कमर्शियल एरोप्लेन्स के टायर्स डिजाइन करने में MRF ऑलरेडी जुट चुकी है। ये सभी बड़े एयरक्राफ्ट हैं और सुखोई जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट से कहीं ज्यादा भारी है। जाहिर सी बात है कि ऐसे टायर्स को पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। और जैसे ही MRF के स्वदेशी टायर्स कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, वैसे ही भारत के 800 से ज्यादा कमर्शियल एयरक्राफ्ट के टायर का इंडिजनाइजेशन किया जा सकेगा, जिसके लिए अभी तक 3 से 4 देशों ने दुनिया भर में मोनोपोली बनाई हुई थी। फिलहाल MRF भारत की इकलौती एविएशन टायर मैन्युफैक्चरर बनी हुई है। कुछ सालों पहले JK टायर ने भी इस सेक्टर में एंट्री मारने का प्लान मीडिया के सामने रखा था, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है। वैसे देखा जाए तो मौजूदा फ्लीट को देखते हुए अकेले MRF ही भारत की सालाना जरूरत को पूरी कर सकती है। और तो और आने वाले 5 सालों में मेजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए टियर 1 सप्लायर के तौर पे भारत को निश्चित तौर पे देखा जाने वाला है। वीडियो ने दिन बना दिया हो तो कमेंट सेक्शन में MII लिखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो काफी अच्छा वीडियो था, जो कि पहले मैंने कह दिया था कि MRF को बहुत पहले ही इसमें आ जाना चाहिए था, राइट। MRF कुछ बनाता है और काफी इनोवेटिव टायर्स थे, काफी अच्छे टायर्स थे, काफी इकोनॉमिकल टायर्स थे, गुड क्वालिटी टायर्स थे, उतनी कॉस्ट प्राइस पे, राइट। आप प्राइस वर्सेस क्वालिटी देखनी है आपको। कोई भी बहुत पैसा लगा के बहुत बढ़िया कर सकता है, मगर पैसा बहुत लग रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप दिया है, इसीलिए मैं भी सरप्राइज था कि MRF ही उन्होंने चूज़ किया। MRF खुद सामने आया है। और ये सब क्यों हो रहा है? मोदी जी के वजह से। ओ यार, बिल्कुल। मोदी जी कह रहे हैं, अरे तुम क्यों लाते हो भाई टायर बाहर से, इतना पैसा बर्बाद करते हो, टायर जैसी चीज़ हम नहीं बना सकते। तो इसीलिए उन्होंने MRF को कुछ बोला होगा, इंसेंटिव भी दिए होंगे, तुम जाओ एयरक्राफ्ट का बनाओ, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम तुम्हें लगाते हैं, अल्टीमेटली वापस कर देना। ऐसा कुछ उन्होंने डेफिनेटली कोई स्कीम बनाई होगी। बहुत अच्छी बात है कि MRF बना रहा है। अब सिर्फ 4 लोगों का अप्रूवल है टायर्स में, तो इसका मतलब हमारा बनेगा, किसी बॉडी के पास जाएगा, वो टेस्ट करेंगे, वो अप्रूव करेंगे और फिर इंडिया भी सेल कर सकता है दुनिया भर के लोगों को टायर्स में। हर बंदे के पास एयरलाइन है, कोई भी आप कंट्री ले लीजिए, सबसे पहले एयरलाइन आती है। उस एयरलाइन को जब टायर चाहिए होंगे तो मोस्ट लाइकली MRF के पास ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि बाकी महंगे हैं। अनलेस वो लोग उसी कंट्री में जहां मिशेलिन है, यूरोप में आप कह सकते हैं, जहां पे यहां पे आपको डनलप है, ब्रिजस्टोन है, ये सब चीज़ें हैं, चौथा पता नहीं कौन सा था, मगर मेन पॉइंट है कि MRF के पास बहुत ज़बरदस्त डील आने वाली है एक बार उनके टायर्स अप्रूव हो जाए। उसमें बोल रहे हैं कि रिसर्च चाहिए थी, उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया है और ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट ही फंड करती है ऐसी चीज़ों को। अगर आप ये सोचें कि सबसे पहले टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक कार्स में कैसे आया, गवर्नमेंट की वजह से। ऐसा नहीं था कि भाई कोई बंदा बैठा हुआ था कि मैं इलेक्ट्रिक कार बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक बनाऊंगा, वो शुरू हो गया, नहीं। गवर्नमेंट ने बोला, देखो भैया जो इलेक्ट्रिक कार बनाता है उसको हम सपोर्ट करेंगे, साथ में इलॉन मस्क आया, उसको बोला ठीक है ये इतना उधार ले लो, ये कर लो। स्टार्टिंग में सत्यानाश हुआ पूरा, बैंकरप्टसी पे आ गए, तो गवर्नमेंट आई, ओके ओके इस प्रोजेक्ट को हम डूबने नहीं दे सकते और पैसा लगाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक कार्स आई हैं वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं आई, वो गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिविजुअल मुझे चाहिए अपने देश में जो ऐसा कुछ करे। सिविलियली जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि हमें एयरक्राफ्ट के बनाने हैं टायर, उनको कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाहिए भारत की जो बोले यस बनाएंगे। MRF सामने आया तो वो पूरा सपोर्ट देंगे कि जाओ और बनो। सेम चीज़ें मिस्टर अदानी और अंबानी के लिए, उन्होंने कहा कि यहाँ यहाँ सेक्टर्स में जरूरत है, अगर तुम आगे जाते हो तो मैं हेल्प करूंगा। काफी अच्छा वीडियो था। पैसे कितने बच रहे हैं, वो दिखा तो रहे हैं कि डबल, मतलब आपको 2 लाख की चीज मिल रही है, एक टायर 2-2 लाख का मिल रहा है और यहाँ पे आपको आधी कीमत में अब मिलेंगे इंडिया से, तो उनको तो इंसेंटिव देने बनते ही है जो इतना पैसा बचा रहे हैं देश का। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।